बर्बाद कर दी उसने। एक बारी जोया की शादी हो जाए। अगर चुगताई ने सनम से शादी कर ली तो रूहान और तानिया की शादी नहीं होगी, हरगिज नहीं होगी। क्या हुआ, किसका फोन है? महम का है। नहीं, रॉन्ग नंबर। वो खैर उठाए, तुम्हें कैसे पता कि रॉन्ग नंबर है? उठाओ फोन। अरे उठाओ। हेलो 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 फ्रेडी, तुझे कसम है फोन ना रखी यार। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? ओए ऊंचा बोल यार, तेरी आवाज ही नहीं आ रही। हेलो। हाँ हाँ, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। हाँ यार, मुझे तो अपनी मौत नजर आ रही है। हाँ मामा बिल्कुल ठीक है, मेरे सामने बैठी हुई है। अरे ये चुकता है ना। नहीं 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 मामा, मामा जी का फोन नहीं है। ओहो, आपा पास है? मेरा भांजा, प्लीज देख मेरी बात सुन, अकलमंदी से इस वक्त अपना फोन लेके कहीं दूर भाग जा, घर से बाहर चला जा, बल्कि आपा को ये ना पता चले मेरी कॉल है, प्लीज। फ्रेडी एक बात बताओ, मेरी शादी हो रही है। फौरन आ जाओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ। हेलो, क्या हुआ फ्रेडी? अरे हुआ क्या, इतनी गुमसुम क्यों बैठे हो, क्या हो गया? यहाँ के मैं चाह रही हूँ उनसे तुमने बात ही नहीं करनी। हेलो एवरीबॉडी, क्या हो गया यार? हमारे आते ही तुम्हारी अम्मा तो हेलो, तुम्हारी मम्मा तो हमें देख के फौरन ही निकल गई, तुम्हें क्या हो गया है? क्या हो गया? किससे पूछ रहा है? मामा जी ने हमें अपनी शादी में बुलाया। चीची वैसे कितनी ब्यूटीफुल रात है ना। सरम जी, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि दादा जान के घर का तो बिल ही नहीं आता होगा, बहुत कम आता होगा, है ना? तुझे इस टाइम बिल सूझ रहा है? सरम जी। हाँ। पुरिया घर की, अंडे घर के, भैंसे घर की, सब्जियां घर की, एक कुर्ता दो धोतियों में। मगर इतनी खूबसूरत रात तूने शहर में कभी देखी? नहीं सरम जी, मैंने ऐसी रात कभी भी नहीं देखी। ना खर्चों का हिसाब था, ना टैंकर डलवाने की फिक्र। ओ माय गॉड, तूने ना सारा मूड खराब कर दिया है। दो अल्फाज रोमांस के बोल सकता है तू? सच बताऊं चीची, मुझे ना दो टाइप के आदमी नहीं बर्दाश्त, एक कंजूस और दूसरा ढीठ। कंजूस तो नहीं? और जान दे चीची, 15 साल मेरे इश्क के तूने हिसाब कर कर के रातें गुजारी हैं, झूठ ना बोले। सर जी, असल बात तो ये है कि मैं इस रात के बारे में सोचना ही नहीं चाहता। क्यों? मुझे लगता है मेरी आंख खुल जाएगी और ये ख्वाब की तरह झूठ निकलेगा। तू पागल हो गया है? सलम जी, मुझे जोर से चुटकी काटे ताकि मुझे यकीन आ जाए कि ये वो ख्वाब नहीं जो मैं पिछले 15 साल से देख रहा हूं। पक्का? समझे, आप खुश तो हैं? मैं शादी हरगिज नहीं होने दूंगा। बड़ी बुरी बात है भाई, अपने अकलौते मामा से दुश्मनी ले रहे हैं आप। जो मेरे साथ बेईमानी की
कंपटीशन हार गए फिर भी भाग गए और शादी कर रहे हैं, ये दुश्मनी नहीं है? बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा मैं। तो ठीक है फिर आप अकेले जाएं, मैं नहीं जा रहा आपके साथ। देखता हूँ तू कैसे नहीं जाएगा, सब जाएंगे। काश मैं जा सकता मगर मुझे यहाँ सुनामी के सामने दीवार बन के खड़ा होना है। डैड भाई मामा जी की शादी रोकने का कह रहे हैं, मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ ही रहूंगा। ओए ये क्या बकवास कर रहे हो? डैड मामा ने साफ साफ कहा था अगर मामा जी और सनम जी की शादी हो गई तो मेरी बिल्कुल नहीं होने देंगी। तो फिर अपने प्यारे मामा की खातिर दे दो ये कुर्बानी। नो वे डैड, अगर उन्होंने बेईमानी ना की होती तो फिर भी मैं सोचता, लेकिन अब तो सवाल नहीं पैदा होता। ठीक है तो फिर पड़े रहो यहीं, मैं तुमको जाने ही नहीं दूंगा। अब बताओ डैड आप मेरे साथ यानी अपने बेटे के साथ ये ज्यादती करेंगे? अगर मेरा बेटा दो मोहब्बत करने वालों के बीच में दीवार बनकर खड़ा होगा तो मैं क्या करूंगा बताओ? तो डैड मुझे भी तो अब करोगे अपने डैड के सामने इस किस्म की बातें? किस किस्म की बात? बड़ी बुरी बात है, अब बच्चे भी अपनी शादी के बाद बड़ों के सामने करेंगे। चुप। Now listen both of you. तुम दोनों अच्छे बच्चों की तरह अपने मामा जी की खुशी में शरीक हो गए। जब तुम्हारा वक्त आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन मामा को क्या बोलेंगे? तो भाई मामा से मैं कह दूंगा कि तुम दोनों जमीन देखने गए हो। जमीन? कौन सी जमीन? जो मैं खरीद रहा हूँ वो पंजाब में 2 एकड़ वाली। वापस आना तो कह देना कि तुम्हें पसंद नहीं आई, ठीक है? और अपनी मम्मा के सोते ही फौरन निकल जाना गाड़ी में फटाफट, ठीक है? तानिया मैं सोच रही हूँ कि घर की ओवरऑल लुक जो है ना बहुत बोरिंग सी हो रही है, थोड़े चेंजेस कर लें जरा अच्छा लगेगा ना, लाइटें चेंज करवा लो। सही कह रही हैं आप, वैसे पर्दों का ऑर्डर तो मैंने दे दिया है और आप कहती हैं तो मैं भी लाइट ऑन कर आती हूँ। और मम्मी वैसे इस घर में कोई भी चेंजेस नहीं होगी मेरी इजाजत के बगैर, आफ्टर ऑल ये घर मेरा है। आपको शायद ये पता नहीं कि ये घर मेरा है, पेपर्स पे भी और वैसे भी। इस घर में होने वाली हर चेंजेस और रेनोवेशन मेरे इख्तियार में है और फिलहाल मैंने ये इख्तियार तानिया को दे दिया है। मम्मी आप मेरे साथ नाजायज बात कर रही हैं। Can you pass me the butter knife? खैर इस बारे में अब और कोई बात नहीं होगी, मैंने तय कर लिया तो तय कर लिया। और तुम्हें ये भी बताया ना कि दानिया की फिल्म की फाइनेंसर भी मैं हूँ, प्रोडक्शन भी मैं कर रही हूँ, सो खामोश रहना बेहतर है तुम्हारे लिए। मम्मी लगता है आप सवेरा भाभी को तंग करने के चक्कर में हैं। एक्चुअली बाबा सारी प्रोडक्शन की टेक केयर मैं और रूहान खुद कर रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट देख लिया है, हम मैनेज कर लेंगे। तुम्हारे और रूहान के पास पैसे कहाँ से आएंगे? दादो पैसे तो इस वक्त बिल्कुल भी नहीं है इसके लिए, लेकिन फ्रेडी के पास कोई प्लान है, उसने बताया है कि क्या करना है कैसे करना है, तो वील मैनेज। बेटा व्हाई यू गाइस ऑल डूइंग दिस? मुझसे ले लो, आई कैन फाइनेंस यू गाइस। बाबा सी द थिंग इज मैं नहीं चाहती कि सवेरा आंटी को लगे कि हम उनके अगेंस्ट गैंग अप कर रहे हैं या उनको कुछ जताना चाह रहे हैं। मैं बस उनको ये बताना चाहती हूँ कि हम अपने काम के बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं और वी कैन डू दिस ऑन आवर ओन। देख लो बच्चे कितने समझदार हैं और तुम लोग दोनों के दोनों अब तक बेवकूफ। दादू स्क्रिप्ट पढ़ते हैं जाके और आपने मुझे कास्टिंग और बजटिंग में हेल्प करनी है प्लीज। sure. हम दोनों जा रहे हैं अपने स्क्रिप्ट पे काम करने और तुम दोनों ये मिडिल एजेड अटकेलियां करते रहो। मम्मी डोंट डिस्टर्ब मी ओके एंड कीप डूइंग इट।
They're so cute. Are you? सनम जी, किधर है आप? घर क्यों नहीं आ रही? दानिया, बात सुन मेरी, तू ना फौरन नेहा को पकड़ और रोहान और फ्रेडी को लेकर ना मेरे पास पहुंच। एक मिनट, क्या मतलब आप? शादी? हाँ, मेरी शादी है। तू बिलीव कर सकती है? बस मेरे दादाजी को ना चीची पसंद आ गया है, तो उनको इनकार तो नहीं कर सकते, इसलिए तू फ्रेडी और रोहान को लेकर और तानिया को बताकर फौरन इधर पहुंच। नहीं सनम जी, एक मिनट, क्या मतलब मैं कैसे? रोहान की मम्मा? हाँ, रोहान की मम्मी को पता चल गया ना, उन्होंने तेरी और रोहान की होने नहीं देनी, इसलिए उनको हरगिज पता नहीं चलना चाहिए। और बात सुन, वो मुमताज को कह के अच्छा सा जोड़ा तेरे हाथ भेज दे, ठीक है? आई हैव टू गो। ओके, हेलो रोहान, मुझे सनम जी की कॉल आई है, वो लोग भाग गए हैं, शादी कर रहे हैं वो लोग। तुम्हें क्या हुआ, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? आप ही उस दिन कंपटीशन कौन जीता था? रोहान। और शादी किसकी हो रही है? मामा जी की। और रोहान की मम्मी की क्या शर्त थी? कि उनके घर में सिर्फ एक फिल्मी बम। ओह माय गॉड, यस आप ही, यस। अब ये है कि आप जल्दी से आगे तैयारी कीजिए, मैं दानिया और नेहा से पूछता हूँ कब और कैसे निकलना है। मेरे सामने पूछो। अच्छा, एक सेकंड। मम्मी, क्या ख्याल है आपका? क्या हमें शादी में जाना भी चाहिए? बात ना बिगड़ना चाहे। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को परेशानी हो सकती है, सवेरा सबको बोर करेगी। लेकिन वैसे ना मेरा बड़ा दिल था कि मैं सनम की शादी देखूं और उसको रुखसत होते हुए देखूं। तानिया, खैर, वैसे बेचारे बच्चों को जाना चाहिए। हाँ, बच्चे चले जाएंगे, और सनम का यह है कि मैं उसे प्यार से समझा लूंगी, फोन कर लूंगी, पहले शादी तो हो ले किसी तरह। हाँ, तो मैं जब अपना वो सलमा सितारे वाला सूट निकालती हूँ, कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाता है। इतने बड़े बड़े झुमके भी थे मेरे पास, मुझे भी जाना है भाई। देख बेटा, देख भी देख, हूं पई आंदी है, देखो थले अग भी बाली है कि नहीं बाली, कनाता भी जाके देख, वो ठीक लगी है, कुर्सियां इंतजाम देख लै पुत्र जाके सारा। हां, कौन सी खुफिया जमीन है जिसके बारे में मैंने कभी जिक्र ही नहीं सुना है? यार, मुझे अचानक रात को फोन आया, रहमान कहने लगा कि फौरन देख लीजिए वरना बिक जाएगी। मैंने फ्रेडी और रोहान को भेज दिया। आप तो उस बच्चे की तरह बोल रहे हैं जिसे सारी रात बैठ के नौके भाड़े का रट्टा लगा। अब सच बता दीजिए, कहाँ गए बच्चे? जो सारी रात रटा था वो सुना दिया। तुम कहती हो तो तेरा का पहाड़ा रट लेता हूँ। रिस्वान, फोन भी नहीं मिल रहे हैं लोगों के। हो सकता है कि वहाँ सिग्नल ना हो। इसे लाकर गैर में जमीन ली है, बस ऐसे ही समझो।
की करते पे हो हाल तक ताकि डेकोरेशन नहीं पूरी हुई और मुंडे वाले पहुंच गए और छेती करो हाथ लाओ तुसी ओ दाओ जी बिस्मिल्ला अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम भैया आराम से आराम से सवाल पीछे खड़ा यार मेरी इज्जत का सवाल है मेरी पूछा तो सवाल तो तब होगा ना शादी होगी देखता हूँ कैसे होती आपकी शादी कौन रुकेगा मैं है हाँ मैं रुकूंगा फ्रेंड सिर्फ जाए से यार भाई मेरे होते हुए इस शादी को कोई नहीं रोक सकता देख बीच में मत आ ये तेरा मामला नहीं ओके बिल्कुल है तुम खुद दो मोहब्बत करने वालों के बीच में क्यों आ रहा हो ओ बच्चे हो ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਛੱਡਿਆ ਕੀ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਣ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਆਨਾ ਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾ ਓਏ ਸੌਕਿਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜੇ ਛੱਪੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਆ ਜਾ ਸੋ ਕਿਊਟ ਹੈ ਨਾ ਵੈਸੇ ਦੋਗਾਨ ਤੋਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੋੜੇਗਾ ਪਾਗਲ ਹੈ ਛੋਟੀ ਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਉਸਕੋ ਕਿਆ ਇਹ ਕੀ ਜੂ चीज होनी है उसको कोई नहीं रोक सकता तुम अपनी शादी की बात करी मामा जी की मुझे तो लगता है रोहान भाई मामा जी की शादी नहीं होने देंगे रोहान क्यों नहीं देगा मामा जी की शादी रोहान इतना भी सेल्फिश नहीं है कि अपने प्यारे से मामा जी की शादी खराब कर दे देख थंगू बोला ना तेरा मामला नहीं सब बीच में बिल्कुल है बस थोड़ा सा एहसास होना चाहिए अब यहाँ की रस्म के मुताबिक सबसे पहले आपको नहलाया जाएगा है सबके सामने नहलाया जाएगा कौन नहलाएगा मुझे मैं नहलाऊंगा नहीं नहीं रस्म के मुताबिक ये काम मामू करता है लेकिन मैं करूंगा फ्रेडी बचाना मुझे यार मामा जी अब तो आपको सिर्फ भाई बचा सकते मान जाए ना लाकरी शादी है क्या मतलब अच्छा मैं कपड़े लेके आ रहा हूँ तैयार हो जाओ जल्दी से फिर रोहन रोहन मेरी बात क्या इधर लेकिन मेरी रुखसती तब तक नहीं होगी जब तक तेरा मामला हल नहीं हो जाता वादा मुझे आप पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है रोहान सनम जी की खुशी का सोचो कुछ तो सोचना सोचो वादा 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 आप ऐसे बेमानी तो नहीं करेंगे ओ यार सवाल ही नहीं पैदा होता ये देखो वादा दानिया रोहान पुत्र इधर आ चल 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 मैं सुनिए ताटे दोवां दी मंगनी होई है माशाल्लाह माशाल्लाह जल्दी ना ब्याह भी कर लो दो एक आंटी इनकी शादी नहीं होने वाली ले दानिया मुझे इस पे बहुत गुस्सा है ये ले जी आपके कपड़े और जूते बस अब जल्दी से बदल ले बच्चे हो आई अब्बा जी आई मैं सबके सामने पहन लूं इधर मामा जी जो कह रहे हैं उस पे खामोशी से अमल करें वरना अगर आपकी आपा बेगम आ गई तो जो नहलाने लेके जा रहे हैं ना आखिरी गुस्ल होगा आपका मान जा भाई मान जा रोहान मान जा आपको धोती बांधना आती है अच्छा सुनो मुझे नहीं आती कोई बात नहीं मैं सिखा दूंगा आपको हाँ क्यों देर कर रहे हो चलो चलो आप लोगों ने तैयार भी होना चलो करियो जल्दी आ जाओ ये सेट बहुत सूट करेगा रेड ड्रेस के साथ मैंने तेरे और नेहा के लिए खास जोड़े बनवाए हैं अपनी कजन से कह के तूने वो पहने शहर वाले कपड़े नो नॉट अलाउड ओके डन और साथ में परांदा भी पहना परांदा मैं नहीं पहन सकती सनम जी प्लीज पहनना पड़ेगा पुत्र की गाल है बुलाया सी दादाजी आपसे एक बात करनी थी बोलो
मैं ये चाह रही थी कि अगर हम सनम जी की रुखसती का फंक्शन अगर मेरे घर कराची में कर लें। क्यों? असल में जो मेरी दादो है ना, वो सनम जी को बिल्कुल बेटियों की तरह प्यार करती है। बिल्कुल दादा जान, मैं ना शहर भी दादो रखी हुई है। लो। तो मैं ये सोच रही थी कि आप लोग कोई डेट फिक्स करके आ जाएं कराची, हम वहाँ पे मजे का फंक्शन करेंगे, इकट्ठे रहेंगे, बहुत मजा आएगा, हल्ला गुल्ला करेंगे। ओ, सनम पुत्र, तेरे ख्याल चाहे ठीक है? बिल्कुल ठीक है दादा जान, मेरे दो दो फंक्शन हो जाएंगे। नाल ना मैं अपनी दादो जान नु भी शामिल करना है। चलो ठीक है, जिस तरह तेरी मर्जी हो जी, असि अपने वालों तो तेरी रुखसती कर। ठीक है, एक फंक्शन है हो गया, जिस वे जो चाह दूजा फंक्शन कर लैन असि आ जावांगे। ले दसो ए बोटी दा हाल, हाले तक कपड़े नहीं पाए। हाय ओ रब्बा, अल्ला धीए जल्दी ना कपड़े पा ते तैयार हो, परोने आ गए। दानिया तू ही पुत्र जल्दी ना तैयार हो, चल जल्दी हो जा। चलो धीए तुसी तैयार हो ते मैं उधर चलिया। परोने आ गए अब्बा जी। अब मैं देख रिया देख रिया, पता नहीं की हो गया सारिया नु। आ जाओ भाई आ जाओ, मुंडे तैयार हो गए। भाई ये दुपट्टा लड़कियों का तो नहीं है? Very pretty. Thank you.
वादा नहीं भूलना। फिक्र क्यों कर रहे हैं यार? देखूं तुझको मेरा सवेरा हो जाए, रातों का ये दूर अंधेरा हो जाए। जाने कब से भटका फिरता हूँ, आँखों में तेरी मेरा बसेरा हो जाए। सामने तू हो तो क्या नजारा चाहिए, मैं तेरे रंग रंग जाऊं, तुझे अपना बनाऊं, डूब जाऊं तो तेरा सहारा चाहिए। तारे सारे तोड़ कर तेरे पास मिलाऊं, डूब जाऊं तो तेरा सहारा चाहिए। हाँ जी, बिस्मिल्लाह करूं। आ बेटा, बिस्मिल्लाह। कबूल है। बहुत मुबारक हो रोहन। मुबारक हो पुत्रा, मुबारक हो। बहुत मुबारक हो आपको। भूख लगी है? चीची तू ये वाला खाना छोड़, मैं ना तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी बाद में, ओके? चले जी, खाने का वक्त हो गया है। हाँ जी, भूख किसको लगी है? क्या 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 हो गया? चुगताई ने शादी कर ली। अब तो अपना फोन भी स्विच ऑफ कर दिया उसने। मतलब एक मैसेज तक नहीं पढ़ा मेरा, कम से कम अपनी खैरियत ही बता देता।
उसका मैसेज तो आया था ना कि वो खैरियत से है, सनम के साथ है, तो तुम्हें फिर किस बात की परेशानी है? किस बात की? पता नहीं है किस बात की परेशानी है। देखो, तुम्हारे इस तरह परेशान होने से, मुझ मासूम पर चीखने से, चुगताई की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उसे शादी करनी है तो वो करके ही रहेगा। अरे वो पेच के खा जाएगी उसे, चुगताई बिक जाएगा। वो अपनी जान दे देगा मगर एक ढेला नहीं निकालेगा अपनी जेब से। मैं बता रही हूँ, मैं बीजान के घर की ईंट से ईंट बचा दूंगी। देखो, मैं इन पत्थरों की दीवारों को समझा सकता हूँ लेकिन तुम्हें नहीं समझा सकता है। अरे जो जी में चाहे करो। लड़कों के भी फोन बंद आ रहे, अरे मरीख भेज दिया क्या? मेरा तो दिल कह रहा है कि ये सबके सब, सबके सब मेरे मुंह में खाक, लेकिन मुझे लगता है कि सबके सब चुगताई की शादी में गए और आप ना इस प्लान का हिस्सा हैं, इस साजिश में आप शामिल हुए हैं, इसलिए आपके हाथ पांव लरज रहे हैं। मेरा तो पूरा जिस्म लरज रहा है। आपके लिए माफ कर दो, मुझे नींद आ रही है, आधी रात हो चुकी है। तुम्हारे ये मुर्गे की एक टांग वाली रट से मेरी तबीयत उकता गई है। खुदा हाफिज, गुड नाइट। मुझे मामा का पता है, वो अपनी बात पर अड़ जाएंगी। मामा जी और सनम जी की शादी के बाद वो मेरी बात कभी नहीं मानेंगी। तो रूहान, इसका मतलब ये है कि तुम मामा जी की शादी को खराब करने की कोशिश करो। उन्होंने बेमानी की है यार। कोई बेमानी नहीं की उन्होंने रूहान, उनकी नीयत ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। तुम्हारी मामा ने सनम जी के खानदान के बारे में अजीब अजीब बातें की थी, इसलिए वो मामा जी को उनसे मिलाने के लिए लेकर आई थी। इसमें उनकी तो गलती नहीं है कि उन्होंने आगे से दादा जी ने उनका निकाह कर दिया। निकाह नहीं करवा दिया, हमारी बर्बादी कर दी। सब कुछ भी नहीं है तो क्यों बच्चों वाली बातें कर रहे हो? और वो थंगा बली निकाह के बाद मुझे क्यों मुबारकबाद दे रहा था? मामा जी को देनी चाहिए थी ना। रूहान प्लीज, सनम जी और मामा जी की इतनी खुशी का दिन है, तुम तुम उसको लाई क्यों? तुम्हें प्रॉमिस करूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मामा कुछ भी कहें कुछ भी करें, तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। नहीं छोड़ूंगी, I promise. Oh, my God.